भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और छिंदवाड़ा में बागेश्वर नाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कर पाने पर कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आता है तो लोग कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं, उनका असली रूप भारत की जनता जान चुकी है। वहीं राहुल गांधी की सजा स्थगित होने के बारे में सिंधिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, न्यायालय के निर्णय का हम सभी को पालन करना है। भाजपा की संभागीय बैठक के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम करती है। प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में बैठक हो रही है, बैठक में जो हमें निर्देश मिलेंगे उनका हम पालन करेंगे। और इस केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र से यादव, नरेंद्र से तोमर सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। सर राहुल गांधी, मैंने एक बार ऑलरेडी कह दिया है, मैंने कह दिया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उस पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारी यही सोच विचारधारा है कि वर्तमान में केस अभी भी चल रहा है और जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है उसका पालन हम सबको करना है। सर नंबर ऑफ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुमत से को लेकर सरकार के, मैंने यही कहा है कि मैं ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं नंबर देता हूँ, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रचंड बहुमत से, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थापित होगी।